Hi guys, myself Soumya and I welcome you on this beautiful channel NEET BioBird. So today we are going to study about NEET 2008 previous year question paper of biology with solution. So without wasting any time, let's get started. Question number first. Keeping in view the fluid mosaic model for the structure of cell membrane, which one of the following statement is correct with respect to the movement of lipids and proteins from one lipid monolayer to the other, described as flip-flop movement? देखो यहाँ बोल रहे हैं, जब एक लिपिड एक मोनोलेयर से दूसरे मोनोलेयर पे पहुँचता है, जंप करता है, तो उसे कहा जाता है flip-flop movement. ठीक है, तो यहाँ पूछ रहे हैं इन lipids और proteins के इन्हीं movement के बारे में. तो पहला option क्या है यहाँ पे, both lipids and protein can flip-flop, while lipids can rarely flip-flop, protein cannot, while protein can flip-flop, lipid cannot, neither lipid nor protein can flip-flop. Okay, तो guys इसका answer हो जाएगा B1, while lipid can rarely flip-flop, protein cannot, because जो lipids होते हैं वो flip-flop बहुत ही कम दिखाते हैं, और proteins में तो ये जो flip-flop movement है ये absentic होता है. ये जो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट है ये सिंगर एंड निकोलसन की फ्लूड मोसे मॉडल से आया था, जो कि इन्होंने 1972 में दिया था. ओके गाइस, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर्स हैज हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम? नीचे दिए गए जो ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन से प्लांट स्ट्रक्चर में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं सेट में? तो ऑप्शंस क्या है यहाँ पे, ऑप्शंस आर मेगास्पोर मदर सेल, एंटीपोडल सेल, एग सेल एंड एंटीपोडल सेल्स, न्यूक्लियस एंड एंटीपोडल सेल्स, एग न्यूक्लियस एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस. तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर हो जाएगा A1, मेगास्पोर मदर सेल एंड एंटीपोडल सेल, बिकॉज ये दोनों ही हैप्लॉइड नेचर की होती हैं. ये जो मेगास्पोर मदर सेल होती है इसमें मियोसिस होती है, जब मियोसिस होती है तब वो मियोसिस से 4 डिप्लॉयड मेगा स्पोर्स का फॉर्मेशन करती है, इस वजह से ये हैप्लॉयड होता है, एंड जो एंटीपोडल सेल्स है वो भी हैप्लॉयड होती हैं. अगर बात करें न्यूक्लियस की, तो जो न्यूक्लियस है ये डिप्लॉयड नेचर का होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द C3 प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिकली मोर एफिशिएंट देन C3 प्लांट्स, बिकॉज C4 प्लांट्स जो है काफ़ी फोटोसिंथेटिकली एक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू C3 प्लांट्स, बिकॉज ऑप्शंस आर CO2 कंपनसेशन पॉइंट इज मोर, CO2 जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोरेस्पिरेशन इज ट्रैप्ड एंड रिसाइकल्ड थ्रू पीपी कार्बोक्सिलेस, द CO2 इफ्लक्स इज नॉट प्रिवेंटेड, दे हैव मोर क्लोरोप्लास्ट. तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर हो जाएगा D1, बिकॉज जो C4 प्लांट्स होते हैं वो क्रेंच एनाटॉमी शो करते हैं. ओके, उनके जो वेस्टल बंडल्स होते हैं वो सराउंड रहते हैं बंडल शीट सेल से, और जो बंडल शीट होती है वो स्पेशली बनी होती है पैरेन्काइमेटिक सेल्स की, इस वजह से उनके आसपास जो म्यूरोफिल सेल्स होती हैं C4 प्लांट्स में वो ज़्यादा होती हैं. अब उनमें अगर म्यूरोफिल सेल्स ज़्यादा हैं तो उनमें क्लोरोप्लास्ट भी लास्ट नंबर में प्रेजेंट होता है, और जिन प्लांट्स में क्लोरोफिल ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है तो वो ज़्यादा फोटो रेस्पिरेशन करते हैं, या फिर वो ज़्यादा फोटो सिंथेसिस करते हैं. सो आंसर इज दी D1. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन ह्यूमन अडल्ट फीमेल्स ऑक्सीटोसिन इज सीक्रेटेड बाई एंटीयर पिट्यूटरी, स्टिमुलेट्स ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड्स, स्टिमुलेट्स पिट्यूटरी टू सीक्रेट वैसोप्रेसिन, कॉज स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग पार्टिशन. तो इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं ऑक्सीटोसिन का रोल क्या होता है फीमेल्स में, तो इसका आंसर हो जाएगा D1, बिकॉज जब डिलीवरी होती है, जब बेबी का डिलीवरी होने को होती है, तो उस टाइम ये जो ऑक्सीटोसिन है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस देता है, कब, जब पार्टिशन होता है, जब बेबी का डिलीवरी होने को होता है, इसलिए इस हार्मोन को बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है, बिकॉज ये मेन रोल प्ले करता है बर्थ के टाइम पे, और ये पिट्यूटरी के पोस्टीरियर लोब से सीक्रेट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड फॉर, जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है इसको किसके लिए यूज़ किया जाता है? ऑप्शंस आर कटिंग ऑफ DNA इनटू फ्रेगमेंट्स, सेपरेशन ऑफ DNA फ्रेगमेंट अकॉर्डिंग टू द साइज, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA बाय जॉइनिंग द क्लोनिंग वेक्टर्स,
आइसोलेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा B1, बिकॉज जो जेल जो प्रोसेस में यूज़ किया जाता है डीएनए फ्रेगमेंट्स को उनके साइज के अकॉर्डिंग उनको एक शीट पे अरेंज करने के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीसोम इज फॉर्म्ड बाय, जो पॉलीसोम है किससे बनता है? ऑप्शंस आर सेवरल राइबोसोम्स अटैच टू ए सिंगल एमआरएनए। जब एक सिंगल एमआरएनए से बहुत सारे राइबोसोम अटैच हो जाते हैं तो उसे कहा जाता है पॉलीसोम। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे, मैनी राइबोसोम अटैच टू ए स्ट्रैंड ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम विद सेवरल सब यूनिट्स, राइबोसोम अटैच टू ईच अदर इन ए लीनियर अरेंजमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा A1। जब बहुत से राइबोसोम आपस में अटैच होते हैं सिंगल एमआरएनए से तो इसे कहा जाता है पॉलीसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन ब्लू आर फोर मेथड A to D एंड देयर मोड ऑफ एक्शन। ठीक है, तो ये कुछ मेथड्स हैं फोर और ये इनके मोड ऑफ एक्शन है जिनको हमें सही मेथड को सही एक्शन से यहाँ पर टिक करना है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या है, यहाँ पे मेथड में हमने रखा है द पिल्स, कॉन्डम, वैसेक्टॉमी एंड कॉपर्टी, एंड मोड ऑफ एक्शन रखा है प्रिवेंट स्पर्म्स रीचिंग द सर्विक्स, प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, प्रिवेंट ओवुलेशन, एंड स्पर्म कॉन्टेन्स नो सीमन, कॉन्टेन्स नो स्पर्म। ठीक है, तो अगर हम बात करें पिल की, तो जो पिल होती है ये ओव्यूलेशन नहीं होती। अगर कोई फीमेल है, अगर वो कोइटस से पहले कोई पिल खा रही है, तो पिल का मेन वर्क ये होता है कि उसकी बॉडी में वो एग्स का फॉर्मेशन नहीं करेगी, मतलब उसकी बॉडी में ओव्यूलेशन नहीं होगा। अब हम बात करेंगे कॉन्डम की, तो कॉन्डम का रोल होता है कि ये प्रिवेंट करता है स्पर्म को सर्विस तक पहुँचने में। अगर कोई मेल कॉन्डम यूज़ कर रहा है बिफोर कोइटस, तो वो उसके जो स्पर्म्स होंगे वो फीमेल की सर्विस की तरफ नहीं पहुंच पाएंगे। सो आंसर इज द फर्स्ट वन। नाउ थर्ड है, क्या है? थर्ड है वैसेक्टोमी। तो वैसेक्टोमी क्या होता है? वैसेक्टोमी क्या होता है? ये जो स्पर्म होता, जो सीमेन होता है उसके अंदर कोई स्पर्म नहीं होते। ठीक है, अगर कोई मेल जो है अगर वो वैसेक्टोमी करा रहा है तो उसकी बॉडी में सीमेन तो होगा बट उसके अंदर स्पर्म नहीं पहुँच पाएंगे। नाउ अब बात करेंगे कि कॉपर्टी की, तो कॉपर्टी जो है ये इम्प्लांटेशन को रोकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा A1, बिकॉज यहाँ पे A का थर्ड है, B का फर्स्ट है, C का फोर्थ एंड D का टू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वाइटल कैपेसिटी ऑफ अवर लंग, हमारे लंग्स की वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? ऑप्शंस के यहाँ पे ऑप्शंस आर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम, टोटल लंग कैपेसिटी माइनस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेस्टोरल कैपेसिटी। तो अगर हम बात करें हमारे लंग की VC की, मतलब वाइटल कैपेसिटी की, तो इसका फॉर्मूला होता है TLC माइनस रिजर्व वॉल्यूम। तो इसका आंसर हो जाएगा D1, टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रिजर्व वॉल्यूम, जो कि 4800 ml होती है। अगर कोई आपसे पूछे या फिर अगर आपके में क्वेश्चन आता है कि आपकी बॉडी में, मतलब हमारे लंग्स में कितनी वाइटल कैपेसिटी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4800 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डज नॉट हैव फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मतलब किसमें जो मेल एंड फीमेल जो होते हैं वो अलग अलग नहीं होते हैं। ठीक है, ऑप्शन टेरिस, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड सेट्रस। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर जाएगा A1, टेरिस, जिसको हम ड्राइव टेरिस भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रांसजेनिक फूड क्रॉप विच में हेल्प इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस इन डेवलपिंग कंट्रीज। एक ऐसा ट्रांसजेनिक फूड जो कि नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम को कम कर रहा है, उसका नेम क्या है? ऑप्शंस आर फ्लेवर्स सेवन टमेटोज, स्टारलिंक मेज, BT सोयाबीन एंड गोल्डन राइस। तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्डन राइस, बिकॉज नॉर्मल राइस में बीटा कैरोटीन प्रेजेंट नहीं होता है, बट अगर हम बात करें गोल्डन राइस की, तो इसके अंदर बीटा कैरोटीन प्रेजेंट होता है जो कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी को फुलफिल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लेक नियर ए विलेज सफर्ड हैवी मॉर्टेलिटी ऑफ फिशेज विद इन फ्यू डेज, कंसीडर द फॉलोइंग रीजन फॉर दिस। ठीक है, एक लेक है विलेज में, वहाँ पे बहुत सी फिशेज जो हैं कुछ दिन से मर रही हैं, तो इसका जो रीज़न है वो क्या होगा? ऑप्शंस के यहाँ पे ऑप्शंस आर लॉट्स ऑफ यूरिया एंड फॉस्फेट फर्टिलाइजर वर यूज्ड इन द क्रॉप इन द वाइसिनिटी, द एरिया वाज स्प्रेड विद DDT बाय एन एयरक्राफ्ट, द लेक वाटर टर्न ग्रीन एंड स्ट्रिंकी, फाइटोप्लैंक्टन पॉपुलेशन इन द लेक डिक्लाइंड इनिशियली देयर बाय ग्रेटली रिड्यूसिंग फोटोसिंथेसिस। इसका आंसर क्या है?
इसका आंसर हो जाएगा D1, बिकॉज यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है एंड सेकंड है ये बिल्कुल सही है. बिकॉज अगर जो फार्मर्स हैं वो अपने क्रॉप प्लांट में अगर वो बहुत से हार्ड फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे हैं लाइक यूरिया का, फॉस्फेट का, और अगर उनका वही पानी जो है वो समुद्र में जा रहा है, ओशंस में जा रहा है, या फिर जो भी जो लेक उनके आसपास है उनमें जा रहा है, तो वहाँ पे जो मराइन लाइफ है वो काफ़ी ख़तरे में होगी और वो कुछ टाइम बाद ख़त्म भी हो जाएगी. ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है. बात में सेकेंड की, तो यहाँ बोल रहे हैं कि एरिया को स्प्रेड किया गया है DDT से, जो कि बहुत ही हार्ड एक ये पेस्टिसाइड होता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा D1, फर्स्ट एंड सेकेंड आर दी करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो इज ए डायग्रामेटिक क्रॉस सेक्शन ऑफ ए सिंगल लूप ऑफ ह्यूमन कॉकलिया. ह्यूमन कॉकलिया जो है, जो कि हमारे इंटरनल ईयर में रिप्रेजेंट होता है, उसका ये बिल्कुल क्रॉस सेक्शन है जहाँ पे हमें इन लेबल्ड पार्ट के बारे में बताना है. ठीक है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द नेम ऑफ द 3 डिफरेंट पार्ट्स. अगर यहाँ पे देखें तो जो ए पार्ट है इसे क्या कहा जाएगा. ठीक है, तो जो ए पार्ट है ये एक्चुअल में पूरा इसे कहा जाता है पेरिलिम्फ. ये इंटरनल ईयर का पेरिलिम्फ होता है. और हम बात करें इस पार्ट की, इसे कहा जाता है टिप्पैनिक मेम्ब्रेन. नहीं, एक्चुअल इसे कहा जाता है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, जो कि इनर ईयर में प्रेजेंट होती है. और हम बात करें सी वाले की, तो इसे कहा जाता है एंडोलिम्फ. मतलब पूरे यहाँ पे इस एरिया में जो फिल होता है लिक्विड, उसे कहा जाता है एंडोलिम्फ. और यहाँ पे जो फिल रहता है उसे कहा जाता है पेरिलिम्फ. सो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर हो जाएगा D1, बिकॉज यहाँ पे जो पहला वाला है पेरिलिम्फ है, जो बी है वो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे जो सी है वो एंडोलिम्फ है. आंसर इज दी D1. अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो है सेनेसेंट एज एन एक्टिव डेवलपमेंटल सेलुलर प्रोसेस इन द ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट इज इंडिकेटेड इन. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली पूछ रहा है कि जो प्लांट्स में सेनेसेंट हो जाता है, जब प्लांट ओल्ड जाते हैं, तो हम कैसे पहचाने कि जो पर्टिकुलर प्लांट है उसमें सेनेसेंट आ गया है, प्लांट जो है वो ओल्ड हो गया है. तो ऑप्शंस आर वेसल्स एंड ट्रेचर्स डिफरेंशिएशन, लीव एब्सेसन, एनिमल प्लांट्स एंड फ्लोर प्लांट्स. तो इसका आंसर हो जाएगा लीव एब्सेसन. जबकि पर्टिकुलर प्लांट में जब लीव्स जो हैं वो झड़ना स्टार्ट कर देती हैं, तो इसका मतलब ये है कि पर्टिकुलर जो प्लांट है उसमें सेनेसेंट फेज आ चुकी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्कुलर टिश्यूज इन फ्लावरिंग प्लांट डेवलप फ्रॉम. वेस्कुलर टिश्यूज लाइक जेलम एंड फ्लोएम जो एंजियोस्पर्म्स में होते हैं, ये कौन से पार्ट्स डेवलप करते हैं. ऑप्शंस आर फेलोजम, फेलोजन, प्लीरोम, पेरिब्लेम एंड डर्मेटोजिन. तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर हो जाएगा B1, प्लीरोम. बिकॉज जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनके अंदर 3 मेरिस्टेमेटिक जोन्स प्रेजेंट होते हैं. सबसे आउटर जो पहला वाला जो कहा जाता है डर्मेटोजिन, सबसे पहले वाले कहा जाता है डर्मेटोजिन, जो कि प्लांट की एपिडर्मिस को बनाता है. दूसरा होता है पेरिब्लेम, जो कि उसके कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन करता है. तीसरा होता है प्लीरोम, जो कि उसके वेस्कुलर बंडल्स का फॉर्मेशन करता है. अगर हम बात करें फेलोजन का, तो ये एक तरीके का सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम होता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन फिक्सेशन इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ एलनस इज ब्रॉट अबाउट बाई. एलनस में नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है. यहाँ पे ऑप्शन क्या है, यहाँ पे ऑप्शंस आर ब्रेडी राइजोबियम, क्लॉस्ट्रीडियम, फ्रेंकिया एंड एजोराइबियम. ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंकिया. ठीक है, जो फ्रेंकिया होता है ये तरीके का एक्टिनोमाइसाइट्स का बैक्टीरिया होता है. ठीक है, जो कि इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है. अगर हम बात करें क्लॉस्ट्रीडियम की, तो ये जो क्लॉस्ट्रीडियम होता है ये एनरोबिक फ्री लिविंग बैक्टीरिया होता है. अगर हम बात करें ब्रेडी राइजोबियम की, तो ये जो ब्रेडी राइजोबियम है ये सिम्बायंट रहता है प्लांट ऑफ पेरास्पोनिया एंड सोयाबीन. मतलब सोयाबीन एंड पेरास्पोनिया के बीच में एज ए सिम्बायंट रहता है. कौन रहता है, ब्रेडी राइजोबियम, जो आपको याद रखना है. अगर हम बात करें एजो राइजोबियम की, तो ये जो एजो राइजोबियम है ये स्टेम एंड रूट के नोड्यूल्स में प्रेजेंट रहता है सेस्बेनिया में. ये सेस्बेनिया की स्टेम एंड रूट में प्रेजेंट रहता है. कौन रहता है हमारा, एजो राइजोबियम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
What will happen if the secretion of parietal cells of gastric gland is blocked with an inhibitor? क्या हो अगर हमारी एच सी एल सेल्स जो होती हैं, मतलब ऐसी सेल्स जो एच सी एल का प्रोडक्शन करती हैं लाइक ऑर्गेनिक सेल्स और पेरिटल सेल, अगर वो ब्लॉक कर दी जाएँ कोई इनहिबिटर से? ऑप्शंस क्या हैं यहाँ पे? तो ऑप्शंस आर गैस्ट्रिक जूस विल बी डेफिशिएंट इन चाइमोजन, गैस्ट्रिक जूस विल बी डेफिशिएंट इन पेप्सिनोजन, इन द एब्सेंस ऑफ एच सी एल सिक्रेशन इनएक्टिव पेप्सिनोजन इज नॉट कन्वर्टेड इनटू एक्टिव एंजाइम पेप्सिन, एंट्रोकाइनेस विल नॉट बी रिलीज फ्रॉम द ड्यूडिनल म्यूकोसा एंड सो ट्रिप्सिनोजन इज नॉट कन्वर्टेड टू प्रिप्रिन. जिसका आंसर हो जाएगा सी वन. अगर बॉडी में, अगर स्टोमच में एस सी एल का सिक्रेशन नहीं होगा तो यहाँ पे जो इनएक्टिव पेप्सिनोजन जो होता है कन्वर्ट नहीं हो पाएगा एक्टिव एंजाइम पेप्सिनोजन, और इससे प्रोटीन का डिग्रेडेशन बॉडी में नहीं चल पाएगा और बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ऑफ फोटोसिस्टम सेकंड आर एक्सेप्टेड फर्स्ट. फोटोसिस्टम सेकंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सब, उनको सबसे पहले कौन एक्सेप्ट करता है? ऑप्शंस आर साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम एफ, क्यूनॉन एंड फाइटोक्सिन. आंसर इज द क्यूनॉन. नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइकोडर्मा हेजियनम हैज प्रूव्ड ए यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर. ट्राइकोडर्मा जो है ये तरीका यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रूव हुआ है बिकॉज फॉर द रेमेडिएशन ऑफ कंटेमिनेटेड सॉइल्स, रिक्लेमेशन ऑफ वेस्ट लैंड, जीन ट्रांसफर इन हायर प्लांट्स, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ सॉइल बॉर्न प्लांट पैथोजन. इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा डी वन, बिकॉज ऐसे बहुत से पैथोजन हैं जो प्लांट तक पहुँचते हैं सॉइल से, तो ये उन पैथोजन को कंट्रोल करने का काम करता है. कौन करता है? ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम. सो आंसर इज दी डी वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स आर कंसर्न्ड विद द रिलीज ऑफ हिस्टामाइन एंड नेचुरल एंटीकोगुलेंट हेपरिन. कौन सी वाइट ब्लड सेल्स हैं जो हिस्टामाइन एंड नेचुरल एंटीकोगुलेंट हेपरिन का सिक्रेशन करती हैं? ऑप्शंस आर न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इसनोफिल्स एंड मोनोसाइट्स. इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बेसोफिल, जिनका वाइट ब्लड सेल्स में परसेंटेज काफ़ी कम होता है. अगर हम बात करें न्यूट्रोफिल्स की, इनका वर्क होता है फैगोसाइटोसिस करना. अगर हम बात करें इसनोफिल्स की, इनका वर्क होता है कि ये बॉडी में कोई भी ब्लड क्लॉट को फॉर्म नहीं होती हैं, ये ब्लड क्लॉट को डिजॉल्व करती हैं. अब हम बात करेंगे मोनोसाइट्स की, तो ये सबसे लार्जेस्ट सबसे बड़ी सेल्स होती हैं जो कि डब्ल्यूबीसी के अंदर दिखी जाती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन बर्ड्स इंडिकेट देयर रेप्टिलियन एंसेस्ट्री. इनमें से कौन से कैरेक्टर्स शो करते हैं कि बर्ड जो है वो एक रेप्टिलियन एंसेस्ट्री से आई है? ऑप्शंस जेट स्केल्स ऑन द हिंड लिंब्स, उनके आगे के पंखों पे स्केल्स का प्रेजेंट होना, फोर चैम्बर्ड हर्ट होना, टू स्पेशल चैम्बर क्रॉप एंड गिजार्ड इन देयर डाइजेस्टिव ट्रैक, एक्स विद कैलकेटेड शेल. इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा डी वन, बिकॉज अगर आप एग्स, अगर आप मतलब उस बर्ड के एग्स देखो तो इनके ऊपर एक हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट की सेल होती है जिसे हम बोलते हैं कैलकेटेड शेल. तो ये शो करता है कि बर्ड्स जो हैं वो रेप्टिलियन एंसेस्ट्री से आई हैं, और ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो बिना एक्सेप्शन के सभी बर्ड्स में आपको मिल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडोस्पर्म इज कंज्यूम्ड बाई डेवलपिंग एम्ब्रियो इन द सीड ऑफ. कौन से सीड में एंडोस्पर्म पूरा कंज्यूम हो जाता है, मतलब पूरा यूज हो जाता है? ऑप्शंस आर कोकोनट, कैस्टर, पी एंड बेस. आंसर इज द पी. ओके, तो ऐसे सीड जिनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है उन्हें कहा जाता है एंडोस्पर्मिक सीड्स, लाइक जीमेज, कोकोस, न्यूसीफेरा. इन सब के अंदर एंडोस्पर्म जो है वो प्रेजेंट मिलता है आपको. अगर हम बात करें नॉन एंडोस्पर्मिक सीड की, तो वो कौन से होते हैं? तो ऐसे सीड जिनके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होते उन्हें कहा जाता है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स, लाइक ब्रासिका, मतलब मस्टर्ड और पी. इन दोनों में ही हमें एंडोस्पर्म नहीं मिलता. अगर हम बात करें मेज की, तो मेज का जो एंडोस्पर्म होता है थोड़ा सा येलोइश कलर का होता है. हम बात करें कैस्टर की, तो कैस्टर का जो एंडोस्पर्म होता है वो वाइटिश होता है और इसमें ऑयल का वो यहाँ पे इसके अंदर ऑयल को रिजर्व करता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमंस एट द एंड ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन द मेल जर्म सेल डिफरेंशिएटेड इनटू ऑप्शंस आर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स,
स्पर्मेटिड्स एंड स्पर्मेटोगोनिया. इसका आंसर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द डीएनए मॉलिक्यूल ऑप्शंस द टोटल अमाउंट ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स एंड पिरिमिडिनोक्लियोटाइड्स इज नॉट इक्वल ऑलवेज. इज नॉट ऑलवेज इक्वल. देर आर टू स्ट्रैंड्स विच आर इन पैरेलल इन 5-3 डेज सेलेक्शन. The proportion of adenine in relation to thymine varies with the organism. ये तीनों ही wrong है. Last क्या है यहाँ पे, there are two strains which run anti-parallel, one in 5-10 direction and the second is the 3-5 direction. So इसका answer जाएगा D1, because DNA molecule में दो anti-parallel strains होते हैं जिसमें से एक run करता है 3-5 में और एक run करता है 5-3 direction में. So answer is the D1. Next question. Consider the following four measures A to D that could be taken to successfully grow chickpea in an area where bacterial blight disease is common. एक ऐसा एरिया जहाँ पे bacterial blight जो है बहुत ही common है और वहाँ पे अगर हमें chickpea को grow कराना है तो हम कौन से steps को follow करेंगे. तो यहाँ पे options है spray with borax mixture. उस एरिया पे हम borax mixture को spray करेंगे, wrong है. नेक्स्ट क्या है, कंट्रोल ऑफ द इंसेक्ट वेक्टर ऑफ द डिसीज पैथोजन. ठीक है. थर्ड क्या है, यूज ऑफ ओनली डिसीज फ्री सीड्स. हम ऐसे सीड्स यूज करेंगे जो कि डिसीज फ्री होते हैं, मतलब जो डिसीज के अगेंस्ट जो रेसिस्टेंस फॉर्म कर पाते हैं. ठीक है. लास्ट क्या है, यूज ऑफ वैराइटीज रेसिस्टेंस टू डिसीज. और हम ऐसी चिकपी की वैराइटीज को यूज करेंगे जो पर्टिकुलर उस डिसीज के अगेंस्ट रेसिस्टेंस बना पाती हैं. तो ये दोनों ही लास्ट के स्टेटमेंट सही हैं. तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर जाएगा C1, बिकॉज सी एंड डी आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, द रप्चर एंड फ्रैक्शनेशन डू नॉट यूजुअली ऑकर इन द वाटर कॉलम इन वेसल एंड ट्रैचेट्स ड्यूरिंग द एसेंट ऑफ सैप बिकॉज ऑफ. जब एसेंट ऑफ सैप होता है, जब प्लांट में पूरे जब प्लांट की बॉडी में पूरे वाटर जब फैलता है तो जो वेसल्स और ट्रैचेट्स होते हैं उनके अंदर रप्चरिंग एंड फ्रैक्शनेशन क्यों नहीं होता है. ऑप्शंस आर बिकॉज ऑफ लिनिफाइड थिक वॉल्स, कोहेंशन एंड एडेशन, वीक ग्रेविटेशनल पुल एंड ट्रांसपीरेशन पुल. तो इसका आंसर रहेगा कोहेंशन एंड एडेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लड कैल्शियम लेवल लोवर्ड बाई दी डेफिशिएंसी. ब्लड का अगर कैल्शियम लेवल कम है तो वो किसकी डेफिशिएंसी कम होता है. ऑप्शन आर पैराहार्मोन, थायरोक्सिन, कैल्शियम एंड बोथ ए एंड सी. ठीक है. बॉडी में पैरा थायरॉइड नाम का एक ग्लैंड होता है जो कि पैरा हार्मोन को सीक्रेट करता है और इसका रोल होता है कि वो कैल्शियम लेवल को बॉडी में मेंटेन रखे. अगर वो डेफिशिएंट अगर उसकी डेफिशिएंसी बॉडी में है तो उससे ब्लड का कैल्शियम लेवल भी डाउन हो जाता है. तो इसका आंसर जाएगा A1. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अबाउट 70% ऑफ टोटल ग्लोबल कार्बन इज फाउंड इन. 70% टोटल कार्बन जो है हमें कहाँ मिलता है. ऑप्शन है ग्रासलैंड में, एग्रो सिस्टम्स में, ओशियंस में एंड फॉरेस्ट में. आंसर इज दी ओशियन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोविंग इज हेट्रोस्पोरस. इसमें से कौन सा हेट्रोस्पोरस है. ऑप्शन आर डायप्टेरिस, सेल्विनिया, एरिएटम एंड एक्विसेटम. तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर जाएगा सेल्विनिया, बिकॉज ये जो टाइप के स्पोर्स का फॉर्मेशन करता है. अगर हम बात करें एडिएटम एंड ड्राइपटेरिस की तो ये होमोस्पोरस होते हैं एंड सेल्विनिया, सेराजनेला एंड एजोला ये तीनों ही हेट्रोस्पोरस होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राई इंडेहिशियंट सिंगल सीड फ्रूट फॉर्म्ड फ्रॉम बाई कैपिलरी सिनकार्पस इनफीयर ओवरीज. एक ऐसा फ्रूट जो ड्राई इंडेहिशियंट सिंगल सीड फ्रूट से बनता है और जिसकी ओवरी जो होती है वो इनफीयर होती है. ऑप्शंस आर कार्योप्सिस, चिप्सेला, बेरी एंड क्रेमोकार्प. तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर हो जाएगा चिप्सेला. चिप्सेला एक ऐसा फ्रूट है जो कि इनफीयर ओवरी से बनता है और क्रिप्सेला जो है वो हमको हेलियंथस में मिलता है. और हम बात करें कार्योप्सिस की तो जो कार्योप्सिस फ्रूट है ये हमको पोएशियाई फैमिली मिलता है. अगर हम बात करें क्रेमोकार्प की तो ये एक ऐसा फ्रूट है जो हमको एपिएशियाई फैमिली में मिलता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इन ह्यूमंस प्रिवेंट द डेसिकेशन ऑफ द एम्ब्रियो इनसाइड द यूट्रस. कौन सी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की वजह से फीमेल्स में एम्ब्रियो का डेसिकेशन नहीं होता. ऑप्शन है कॉरियन, लैंटॉइस, योल्क सैक एंड एमनियन. आंसर इज द एमनियन.
Next question. The placiceptical of a synchronous of figure encloses the last number of फिग का जो फ्लैशी सेप्टिकल होता है वो कितने नंबर वो मतलब कितने नंबर में किनको एनक्लोज सकता है. ऑप्शंस आर एचिन्स को, सेमेरास को, बेरिस को, या मेरिकार्प को. इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ए वन विच इज एचिन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लिंक्ड टू द डिस्कवरी ऑफ बोल्डेक्स मिक्सचर एज ए पॉपुलर फंगिसाइड. मुझे कौन सा जो आंसर है जो जुड़ा हुआ है इस बोल्डेक्स मिक्सचर की डिस्कवरी से. ऑप्शंस के यहाँ पे बैक्टीरियल लीड ब्लाइट ऑफ राइस, डाउनी मिल्डियो ग्रेप्स, लूज स्मट ऑफ वीट एंड ब्लैक रस्ट ऑफ वीट. इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी वन, डाउनी मिल्डियो ऑफ ग्रेप. बिकॉज जो बोल्डेक्स मिक्सचर है इसको सबसे पहले यूज़ किया गया था इसी डिसीज के ऊपर जो कि ग्रेप्स में होती है. इसका कहा जाता है डाउनी मिल्डियो ऑफ ग्रेप्स. ओके, ये जो बोल्डेक्स मिक्सचर है इसको सबसे पहले मेलार्डेट ने 1882 में डिस्कवर किया था. इसको सबसे पहले यूज़ किया गया था फॉर कंट्रोलिंग द डाउनी मिल्डियो ऑफ ग्रेप्स. ओके, इसलिए ये जो है इससे रिलेटेड है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर्स प्रिवेंट. अगर फ्लावर्स में यूनिसेक्सुअलिटी आ जाए, मतलब अगर फ्लावर के अंदर ये फ्लावर है तो इसके अंदर सिर्फ मेल प्रेजेंट हो और इसके अंदर सिर्फ फीमेल प्रेजेंट हो, तो अगर फ्लावर्स के अंदर यूनिसेक्सुअलिटी आ जाती है तो क्या होगा? तो ऑप्शंस आ तो वो प्रिवेंट कर पाएंगे फ्लावर्स ऑटोगैमी बट नॉट यूटनोगैमी, बोथ यूटनोगैमी एंड जिनोगैमी, यूटनोगैमी बट नॉट जिनोगैमी, ऑटोगैमी एंड यूटनोगैमी. आंसर इज द ऑटोगैमी बट नॉट यूटनोगैमी. नेक्स्ट क्वेश्चन. The length of different internodes in the culm of sugar cane is variable because sugar cane के अंदर internodes होती हैं, उनकी जो length है वो अलग अलग होती है. क्यों? Because of shoot apical meristem, position of axillary buds, size of leaf lamella and at the node below each internode intercalary meristem. इसका आंसर है intercalary meristem. Next question. Which one of the following is the correct difference between rod cells and cone cells? तो यहाँ पर रखे हैं फीचर्स, तो यहाँ पे हैं रॉड सेल्स, यहाँ पे कॉन सेल्स, और हमें यहाँ पे सही फीचर को सही रॉड सेल और सही कॉन सेल से मिक्स करना है. तो फीचर्स का यहाँ पे बोल रहे हैं कि विजुअल एक्यूटी इज हाई इन द रॉड सेल्स, लो इन द कॉन सेल्स. एंड क्या है? विजुअल पिगमेंट कंटेंट. तो रेड सेल्स जो रॉड सेल्स होती हैं उनके अंदर आइरिडॉप्सिन होता है, इनके अंदर ऑप्शन होता है. जब आप बात करें सी वाले की, तो ओवरऑल फंक्शन देखा जाए तो जो रेड सेल्स होती हैं ये पुअर लाइट में काम करती हैं, बल्कि जो जो कॉर्न सेल्स होती हैं ये कलर्ड विजन एंड डिटेल्ड विजन इन ब्राइट लाइट. डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो रेड सेल्स जो हैं वो ज़्यादा कंसेंट्रिक होती हैं, ज़्यादा मतलब कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट होती है रेटना के सेंटर पे, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर रेटना. और ये जो होती हैं कॉर्न सेल्स ये पूरे रेटना में फैली होती हैं. तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सी वन, बिकॉज जो रॉड सेल्स होती हैं वो हमारे जब रात हो जाती है तब उस टाइम ये एक्टिव रहती हैं और दिन में हमारी कौन सेल्स एक्टिव रहती हैं. आंसर इज दी सी वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन दी लीव्स ऑफ सी फॉर प्लांट्स मैलिक एसिड से सिंथेसिस ड्यूरिंग सी ओ टू फिक्सेशन ऑकर्स इन. सी फॉर प्लांट्स में मैलिक एसिड फॉर्मेशन कहाँ चलता है? ऑप्शंस आर एपिडर्मल सेल्स, मिजोपिल सेल्स, बंडल शीट एंड गार्ड सेल्स. आंसर इज दी मिजोपिल सेल. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कोडॉन इज करेक्टली मैच विद योर फंक्शन और द सिग्नल फॉर द पर्टिकुलर अमीनो एसिड. ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन रखा है कि जी यू यू, जी सी यू जो है ये बनाता है एलाइन को, रॉन्ग है. यू ए जी एंड यू जी ए से स्टॉप होता है, ए यू जी एंड ए सी जी जो है वो स्टार्ट करता है और ये मैथिन के लिए कोड करता है. लास्ट है यू यू ए, यू सी ए जो है ल्यूसाइन को बनाता है. इसका आंसर जाएगा बी वन, बिकॉज यू ए जी एंड यू जी ए जो है वो स्टॉप का काम करते हैं, वो स्टॉप करते हैं पूरी प्रोसेस को. नेक्स्ट क्वेश्चन. सेलुलोज इज द मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ. सेलुलोज जो है किसकी सेल वॉल में सबसे ज़्यादा मिलता है? ऑप्शंस आर पाइथियम, जैंथोमोनास, स्यूडोमोनास एंड सैक्रोमाइसाइट. इसका आंसर है पाइथियम. नेक्स्ट क्वेश्चन. द स्लो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ फॉलन लॉग्स इन नेचर इज ड्यू टू देयर
फॉल लॉक सिग्नेचर में होते हैं. इनका जो डिकम्पोजिशन है काफ़ी स्लो रेट पे होता है बिकॉज लो मॉइस्चर कॉन्टेंट, पुअर नाइट्रोजन कॉन्टेंट एंड ड्रॉप द इन्वायरमेंट अराउंड देम एंड लो सेलुलोज कॉन्टेंट. इसका आंसर है लो मॉइस्चर कॉन्टेंट में मॉइस्चर की कमी होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉमनली फाउंड एज स्टार्च इन प्लांट स्टोरेज ऑर्गन्स. विच ऑफ द फॉलोइंग फाइव प्रॉपर्टी ऑफ स्टार्च ए टू ई मेक इट यूजफुल एज ए स्टोरेज ऑर्गन. ठीक है, तो ऑप्शन से यहाँ पे इजिली ट्रांसलोकेटेड बिकॉज प्लांट्स में स्टार्च जो है आसानी से उसको हम ट्रांसलोकेट कर पाते हैं. बिल्कुल सही है. नेक्स्ट क्या है, केमिकली नॉन रिएक्टिव, ये रॉन्ग है. नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे इजिली डाइजेस्टिव प्लांट बाय एनिमल्स बिकॉज एनिमल्स जो होते हैं वो स्टार्च को आसानी से डाइजेस्ट कर पाते. बिल्कुल सही है. एंड ऑस्मोटिकली इनएक्टिव, ये ऑस्मोटिकली इनएक्टिव होती है, रॉन्ग है. लास्ट का यहाँ पे सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस टाइम पे बन जाती है, भी सही है. जिसका आंसर हो जाएगा सी वन बिकॉज ए सी एंड ई आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गन्स इंक्लूड ओनली द एंडोक्राइन ग्लैंड. मीन्स कौन से पेयर में एंडोक्राइन ग्लैंड सी आती हैं. ऑप्शन आर पैराथायरॉयड एंड एड्रेनलिन, एड्रेनल ओके, सो पेनक्रियास एंड पैराथायरॉयड, थायमस एंड टेस्टिस, एड्रेनल एंड ओवरी. तो इसका आंसर है पैराथायरॉयड एंड एड्रेनल. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द डिसीज इन कॉलम फर्स्ट विद द एप्रोप्रिएट आइटम इन कॉलम सेकेंड. तो ये है डिसीज और ये हैं कुछ उनसे रिलेटेड कॉलम. ठीक है, तो पहली है अमीबियासिस. अमीबियासिस में क्या होता है, अमीबियासिस तब होती है जब यूज ओनली स्टरलाइज्ड फूड एंड वाटर. अगर किसी को अमीबियासिस है, अगर आपके या फिर आपको अमीबियासिस से बचना है तो आप फिल्टर्ड वाटर और फूड को यूज करो. ठीक है, आंसर इज दी टू. नेक्स्ट क्या, डिफ्थीरिया. ओके, डिफ्थीरिया में यूज की जाती है डीबीटी वैक्सीन को. आंसर इज द थर्ड वन. नाउ कॉलरा, कॉलरा कैसे होता है, तो कॉलरा जो है वो उसके अंदर ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी यूज हो जाता है. बाद में साइफिल्स की, साइफिल्स जो है ये ट्रेपोनेमा पेलिडियम से होता है. तो आंसर इज दी डी वन बिकॉज यहाँ पे ए का टू है, बी का थर्ड है, सी का फोर्थ एंड डी का फर्स्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, रेपलम इज प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ फ्लावर ऑफ. कौन से फ्लावर की ओवरी में रेपलम प्रेजेंट होता है. ऑप्शन आर लेमन, मस्टर्ड, सनफ्लावर एंड पी. सो आंसर इज द मस्टर्ड. मस्टर्ड की ओवरी में रेपलम है ये प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोविंग इज करेक्ट मैचिंग ऑफ द साइट ऑफ एक्शन ऑन द गिवन सबस्ट्रेट, द एंजाइम एक्टिंग अपॉन इट एंड द एंड प्रोडक्ट. तो यहाँ पे ड्यूडनम, ड्यूडनम जब रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्सिन, ड्यूडनम में जब ट्रिप्सिन वर्क करता है तो वो ट्राइग्लिसराइड्स अमोनियम ग्लिसराइड फंक्शन करता है. ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जब स्टार्च टूटता है अल्फा एमाइलेज से तब वो बनाता है माल्टोस को. स्मॉल इंटेस्टाइन जब प्रोटीन ब्रेक होता है इन द प्रेजेंस ऑफ पेप्सिन तब बनते हैं अमीनो एसिड्स. स्टोमच में जब फैट ब्रेक होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइपेज तब वो देता है मिसल्स को. तो ये सभी रॉन्ग हैं लास्ट वाले, बट इसका सही आंसर है बी वन बिकॉज स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टार्च जो है वो कन्वर्ट होता है माल्टोज में इन द प्रेजेंस ऑफ अमाइलेज. नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडर्न डिटर्जेंट्स कॉन्टेन एंजाइम प्रिपरेशन ऑफ. जो आजकल जो मॉडर्न डिटर्जेंट्स आ रहे हैं उनके अंदर कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. ऑप्शन एसिडोफिल्स, एल्कलीफिल्स, थर्मो एसिडोफिल्स एंड थर्मोफिल्स. तो आंसर इज द एल्कलीफिल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, the hemoglobin of a human fetus has a lower affinity for oxygen than that of adult. Its affinity for oxygen is the same as that of adult. Has only two protein subunits instead of four. Has a high affinity of oxygen than that of adult. ठीक है, तो इसके अंदर ऑक्सीजन से जो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी जो होती है फेटस की वो काफ़ी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एडल्ट. सो आंसर इज दी डी वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट नेम इज करेंटली मैच्ड विद द थ्योरी पुट फॉर्थ बाय देम. फर्स्ट क्या है, बेसमैन गिव द थ्योरी ऑफ कंटिन्यूजम प्लाज्म. सेकेंड क्या है, पेशर गिव द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ये रॉन्ग है. नेक्स्ट क्या है, डीब्रीज गिव द नेचुरल सिलेक्शन, भी रॉन्ग है. लास्ट क्या है, मेंडल गिव द थ्योरी ऑफ पेंजेनेसिस. सही आंसर ए वन बिकॉज वीस्मैन ने ही थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी प्लाज्म दी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोर एक्टिव फैगोसाइटिक वाइट ब्लड सेल्स आर फॉग्स. जो
काफ़ी एक्टिव फैगोसाइटिक वाइट ब्लड सेल्स हैं, वो कौन सी होती हैं? ऑप्शन है न्यूट्रोफिल्स, ईसनोफिल्स, लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस. ईसनोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स. तो वाइट ब्लड सेल्स में न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट्स ही होती हैं जो कि काफ़ी एक्टिव फैगोसाइटिक नेचर की होती हैं. सो आंसर इज इट डी वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और CPCB, विच पर्टिकुलर साइज एंड डायमीटर ऑफ द एयर पोल्यूटेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेटेस्ट हार्म टू ह्यूमन हेल्थ. मतलब कौन से साइज का पर्टिकुलेट जो मतलब पोल्यूटेंट है वो ह्यूमन्स के लिए हार्मफुल होता है. ऑप्शंस आर 2.5 और लेस, 1.5 और लेस, 1.0 और लेस, 5.2 और 2.5. तो इसका आंसर है 2.5 और लेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पर्टिकुलर साइकोट्रॉफिक ड्रग स्पेसिफाइड. ऑप्शंस आर हैसीज कॉज एल्टर थॉट परसेप्शन एंड हेलुसिनेशन, ओपियम स्टिमुलेट नर्वस सिस्टम एंड कॉज हेलुसिनेशंस, मॉर्फिन लीड्स टू डेल्यूशन एंड डिस्टर्ब्ड इमोशंस, बर्बिट्रेट्स कॉज रिलैक्सेशन एंड टेम्पररी यूफोरिया. तीनों ही रॉन्ग हैं बिकॉज इनका जो फंक्शन है ये बिल्कुल रॉन्ग है. लेकिन फर्स्ट बिल्कुल सही, बिकॉज हशीश अगर कोई ले रहा है तो उससे जो थॉट है परसेप्शन का वो चेंज हो जाता है, अल्टर जाता है और उसको हेलुसिनेशंस भी होते हैं. आंसर इज द ए वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम रिमेन यूनाइटेड एट ए क्रिटिकल आयन लेवल ऑफ. तो ये जो दो सब यूनिट्स होते हैं राइबोसोम के, आपस में जुड़े रहते हैं जब ये आयन पर्टिकुलर क्रिटिकल लेवल पे होता है. ऑप्शन आर कॉपर, मैग्नीजियम एंड कैल्शियम. सो आंसर इज द मैग्नीजियम. नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ नर्व इम्पल्स द एक्शन पोटेंशियल रिजल्ट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ. ठीक है, तो जब नर्व इम्पल्स का, जब नर्व इम्पल्स ब्रेन में मूव कर रहे होते हैं, जब नर्व इम्पल्स जा रहे होते हैं, तो उस टाइम जो एक्शन पोटेंशियल बनता है वो कैसे बनता है? तो ये बनता है फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ के प्लस आयन फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड टू इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, एन ए प्लस आयन फ्रॉम इंट्रा सेलुलर फ्लूइड टू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, के प्लस आयन फ्रॉम इंट्रा सेलुलर फ्लूइड टू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, Na plus ion from extracellular fluid to intracellular fluid. तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर जाएगा D1, बिकॉज जब Na plus ion मूव करते हैं बाहर के फ्लूड से अंदर के फ्लूड में, तब उससे एक्स्ट्रा पोटेंशियल जनरेट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस इज कॉज्ड बाई ए स्पीसीज. ऑप्शन एंथ्रोमोनास, सिडोमोनास, एल्टरनेरिया एंड एरबीन. इसका आंसर क्या है? इसका आंसर जाएगा A1, बिकॉज ये जो बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस होता है ये एंथ्रोमोनास से ही होता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डार्विन फिंचेस आर एन एक्सेलेंट एग्जाम्पल ऑफ. डार्विन फिंचेस जो है किस एग्जाम्पल होती हैं? ऑप्शन आर एडैप्टेटिव रेडिएशन का, सीजनल माइग्रेशन का, टूड पैरासिटिज्म का एंड कनेक्टिव लिंक का. इसका आंसर है एडैप्टेटिव रेडिएशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थवर्म हैव नो स्केलेटन बट ड्यूरिंग ब्यूरोइंग द एंटीरियर एंड बिकम टर्सेटर एंड एक्ट एज एन हाइड्रोलिक स्केलेटन इट इज ड्यू टू. अर्थवर्म के अंदर कोई भी स्केलेटन प्रेजेंट नहीं होता, उसके बाद भी जब वो मिट्टी में गड्ढा खोदते हैं फिर कुछ भी करते हैं वो, तब उनका जो आगे का जो हिस्सा होता है वो एकदम टाइट हो जाता है, एकदम से वो टर्जेट हो जाता है. तो ये किसकी वजह से होता है? तो ऑप्शन आर स्लोबिक फ्लूड, ब्लड, गट पेरिस्टाइलिसिस एंड स्टाइल. आंसर इज द सिलोमिक फ्लूइड. अर्थवर्म जो हैं वो काफ़ी रिच होते हैं सिलोमिक फ्लूइड में, इसलिए जब वो कोई भी एक्टिवेट करते हैं तब वो अपने सिलोमिक फ्लूइड को एज हाइड्रोलिक स्केलेटन यूज करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नाइट्रोजनस बेस ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज रॉन्गली मैच्ड विद द कैटेगरी मेंशन्ड अगेंस्ट इट. ठीक है, तो यहाँ बोलना है कि थायमिन एंड यूरेसिल जो हैं प्रेमिडेंस होते हैं, यूरेसिल एंड साइटोसाइन जो हैं ये प्रेमिडेंस होते हैं, बिल्कुल सही है. ग्वानिन एंड एडनिन जो हैं प्यूरेंस होते हैं, तो ये भी सही है. यहाँ बोलना है कि एडनिन एंड थायमिन जो हैं ये प्यूरेंस होते हैं, तो ये रॉन्ग है, बिकॉज एडनिन जो है वो तो प्यूरिन में आता है बट थायमिन जो है ये प्यूरिन में नहीं आता है. सो आंसर इज दी D1. नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ हर्बिसाइड रिस्टेंजियम क्रॉप इज टू. मैन का जो मैन एम है GM क्रॉप को बनाने का वो क्या है? इज टू एलिमिनेट वीड फ्रॉम द फील्ड विदाउट द यूज ऑफ मैनुअल लेबर, एलिमिनेट वीड्स फ्रॉम द फील्ड विदाउट द यूज ऑफ हर्बिसाइड्स, एनकरेज इको फ्रेंडली हर्बिसाइड्स, रिड्यूस्ड हर्बिसाइड एक्यूमुलेशन इन फूड पार्टिकल फॉर हेल्थ सेफ्टी. इसका आंसर क्या है? इसका आंसर जाएगा D1. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
The table given below gives the population in thousand of 10 species A to J in four areas consisting of the number of habitats given within the brackets against each. Study the table and answer the question which follows. देखो तो यहाँ पे पहले कॉलम में दे रहा है एरिया एंड नंबर ऑफ हैबिटेट्स. तो यहाँ पे ये एरिया है और ये इनकी कुछ हैबिटेट्स हैं. यहाँ पे स्पीसीज हैं और उनकी पॉपुलेशन है पर्टिकुलर ए टू जी एरियाज में. तो यहाँ पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी होगी. तो इसका आंसर जाएगा सी वन, बिकॉज डी वाले में काफ़ी ज़्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच टाइप ऑफ बैरियर अंडर इनेट इम्यूनिटी डू द सलाइवा इन द माउथ एंड द टीयर फ्रॉम द आई बिलोंग. ठीक है, कौन सी इम्यूनिटी के अंदर हमारे जो टीयर्स होते हैं सलाइवा है वो आती है. ऑप्शंस आर साइटोकाइन बैरियर, सेलुलर बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर एंड फिजिकल बैरियर. इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा फिजियोलॉजिकल बैरियर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्निया ट्रांसप्लांट इन ह्यूमन इज ऑलमोस्ट नेवर रिजेक्टेड. ह्यूमंस में जो कॉर्निया ट्रांसप्लांट होती है ये कभी रिजेक्ट नहीं होती है, बिकॉज इट्स सेल्स आर लीस्ट पेनेट्रेबल बाई बैक्टीरिया. इट हैज नो ब्लड सप्लाई. इट इज कम्पोज ऑफ ई न्यूक्लियेटेड सेल. इट इज नॉन लिविंग लेयर. इसका आंसर है इट हैज नो ब्लड सप्लाई. मतलब अगर इमरजेंसी में किसी को भी कॉर्निया चाहिए है तो किसी भी डोनर से कॉर्निया ले सकता है वो, बिकॉज कॉर्निया में ब्लड नहीं होता. अगर कॉर्निया में ब्लड नहीं है तो उसमें एंटीबॉडीज भी नहीं होंगी. एंटीबॉडीज नहीं है तो उसके अगेंस्ट वो कोई भी एक्शन क्रिएट नहीं कर पाएंगी. तो इसलिए इसका आंसर जाएगा बी वन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस इन विच द सबस्ट्रेट इज ऑक्सीडाइज विदाउट एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज कॉल्ड फर्मेंटेशन, फोटोरेस्पिरेशन, एरोब रेस्पिरेशन एंड ग्लाइकोलिसिस. आंसर इज द ग्लाइकोलिसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंपॉर्टेंट फीचर डिस्टिंग्विशिंग गोनेडम फ्रॉम साइकस एंड पाइनस इन सोइंग एफिनिटीज विद एंजियोस्पर्म. तो कैसे गोनेडम जो है अलग है साइकस एंड पाइनस से? तो यहाँ पे ऑप्शन हैं कि एबसेंस ऑफ रेसाइन डक्ट एंड लीफ मेनेशन, प्रेजेंस ऑफ वेसल एलिमेंट्स एंड एबसेंस ऑफ एसिगोनिया, पेरियंथ एंड ट्विंटिक्वेंट्स, एम्ब्रियो डेवलपमेंट एंड एपिकल मेरिस्टेम. तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर बी वन, बिकॉज यहाँ पे बिकॉज ग्रेनेटम में वेसल एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं एंड इनमें आर्जिकोनिया एबसेंट होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्न ऑफ बोगनविला एंड ट्रेंडल्स ऑफ रुबिटा आर एग्जाम्पल्स ऑफ. थॉर्न्स जो कि बोगनविला में प्रेजेंट होते हैं वो काम करते हैं प्रोडक्शन का, एंड टेंडल जो कि क्यूक्रिबिट्स में प्रेजेंट होते हैं वो काम करते हैं सपोर्ट का. ठीक है, तो दोनों ही जो पार्ट्स हैं वो डेवलप करते हैं एक्सिलरी ब्रांचेस से, इसलिए इनका जो ऑरिजिन है वो सेम है बट फंक्शन इनका अलग अलग है. तो इसका आंसर हो जाएगा बी वन, होमोलॉगस ऑर्गेन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रू अबाउट द आइसोलेटेड स्मॉल ट्राइबल पॉपुलेशन, देयर इज ए डिक्लाइन इन पॉपुलेशन एज बॉयज मैरी गर्ल्स ओनली फॉर द ओन ट्राइब, हेल्थ डिसीज लाइक कलर ब्लाइंडनेस डू नॉट स्प्रेड इन द आइसोलेटेड पॉपुलेशन, रेस्लर्स हु डेवलप स्ट्रॉन्ग बॉडी मसल इन देयर लाइफ टाइम पास देयर कैरेक्टर ऑन देयर प्रोजेनी, देयर इज नो चेंज इन पॉपुलेशन साइज एज दे हैव ए लार्ज जीन पूल. इसका आंसर जाएगा बी वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन इंसुलिन इज बींग कॉमर्शली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए ट्रांसजेनिक स्पीसीज ऑफ. ह्यूमन इंसुलिन जो है वो ट्रांसजेनिकली कौन सी स्पीसीज से प्रोड्यूस किया जा रहा है? ऑप्शन आर एस्टेरिया, माइकोबैक्टीरियम, राइजोबियम एंड सैक्रोमाइसाइट्स. इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ए वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द लाइट ऑफ रिसेंट क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ लाइक बैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया एंड यूकेरिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट आर्की. तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है आर्किबैक्टीरिया के लिए? तो यहाँ पे ऑप्शन हैं कि आर्की रिसेंबल यूकेरिया इन ऑल रिस्पेक्ट्स, आर्की हैव सम नोवल फीचर डेट आर एब्सेंट इन अदर प्रोकैरियोट्स एंड यूकेरियोट्स, और आर्की कंप्लीटली डिफर फ्रॉम बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकेरियोट्स, आर्की कंप्लीटली डिफर फ्रॉम प्रोकैरियोट्स. इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बी वन, बिकॉज आर्की में कुछ ऐसे नोवल फीचर्स होते हैं जो कि अदर प्रोकैरियोट्स एंड यूकेरियोट्स में एब्सेंट होते हैं. सो आंसर इज द बी वन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मोकोकस, मिथेनोकोकस एंड मिथेनोबैक्टीरियम
exemplify options are key bacteria that contain protein homologous to eukaryotic core histones. Archaebacteria that lack any histone resembling those found in eukaryote but whose DNA is negatively supercoiled. Bacteria whose DNA is flexed or positively supercoiled but which have a cytoskeleton as well as mitochondria. Bacteria that contain a cytoskeleton and ribosome. इसका आंसर क्या है? इसका आंसर जाएगा A1 बिकॉज Archaebacteria that contain protein homologous to eukaryotic core histone. Answer is the A1. Next question. A competitive inhibitor of succinic dehydrogenase is तो succinic dehydrogenase का competitive inhibitor कौन होता है? Options are methionate, oxaloacetate, alpha ketoglutarate and malate. इसका आंसर जाएगा methionate. Next question. Cry first endotoxins obtained from bacillus nonsense are effective against cry genes जो कि हमको bacillus nonsense से मिलते हैं तो उसमें से जो cry first होते हैं वो कौन से मतलब किसके against effective होते हैं options are mosquito flies nematodes and bollworms answer is the flies because cry first जो होते हैं effective होते हैं against the flies but अगर हम बात करते हैं क्राइफोर्थ की तो जो क्राइफोर्थ होता है वो इफेक्टिव होता है अगेंस्ट मॉस्किटोज और क्राइफिफ्थ एंड क्राइसिक्स जो है वो इफेक्टिव होता है अगेंस्ट नेमेटोड्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. वैक्यूल इन अ प्लांट सेल इज अ मेम्ब्रेन बाउंड एंड कॉन्टेन स्टोरेज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स. इज अ मेम्ब्रेन बाउंड एंड कॉन्टेन वाटर एंड एस्टोरेटेड सब्सटेंस. लेक्स अ मेम्ब्रेन कॉन्टेन्स एयर लेक्स अ मेम्ब्रेन कॉन्टेन वाटर एंड एस्टोरेटेड सब्सटेंस. इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा B1 इज बिकॉज ये मेम्ब्रेन बाउंड होता है जिसकी मेम्ब्रेन को बोला जाता है टोनोप्लास्ट और इसके अंदर वाटर एंड एस्टोरेटेड सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following is not observed in biodiversity hotspot? Biodiversity hotspot के अंदर क्या ऑब्जर्व नहीं किया जाता? ऑप्शन एंडेमिज्म, isolated species loss, lesser inter-species competition and species richness. Answer is the C. Because अगर कोई भी एरिया है वहाँ पर बहुत टाइप की स्पीसीज प्रेजेंट हैं तो उनके बीच में lesser inter-species competition नहीं होगा, उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा inter-species competition देखने को मिलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. Consider the following statement given below regarding contraception and answer as selected thereafter. Medical termination of pregnancy MTP during first trimester is generally safer. Generally, chances of conception are nil until mother breastfeeds the infant up to 2 years. Intrauterine devices like copper T are effective contraceptives. Contraception pills may be taken up to 1 week after coitus to prevent conception. इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा C1 because जो A statement है अगर C है ये बिल्कुल सही है, बाकी ये सब wrong है. Next question. Which one of the following proved effective for biological control of nematodal disease in plants? मतलब कौन सा ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म है जो कि प्लांट्स में नेमेटोडल डिसीज को कंट्रोल करता है? ऑप्शंस आर पाइसोलिथम टिंकोरिनस एंड सीडोमोनास सेपेसिन ग्लियोक्लेडियम बारेंस एंड पेसिलोमाइसिस लेलियेंसिनस. इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा D1. ये प्लांट्स में नेमेट टोटल डिसीज के अगेंस्ट काम करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन ह्यूमन इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी. तो पहला दिया गया है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो कि तब होता है जब बॉडी में 44 ऑटोसोम के साथ साथ एक्स एक्स एंड वाई प्रेजेंट होता है. कलर ब्लाइंडनेस ड्यू टू बाइलिंग्ड एंड एरिथ्रोब्लास्टोसिस फाइटलिस इज एक्स लिंक्ड एंड डाउन सिंड्रोम इज 44 ऑटोसोम प्लस एक्स हो. तो ये इतने रॉन्ग है और फर्स्ट जो है सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following item gives its a correct total number? तो यहाँ बोल रहे हैं कि humans में जो floating ribs होती हैं 4 होती हैं. ना बात करें humans में ribs की तो human में 12 ribs होती हैं जिसमें से last की जो दो pair होते हैं उन्हें कहा जाता है floating ribs. इसलिए first answer सही है. अगर हम बात करें next option की तो यहाँ बोल रहे हैं कि amino acids found in protein are 16. तो यहाँ पे
16 अमीनोज नहीं होते हैं यहाँ पे, 20 अमीनो एसिड्स होते हैं। नेक्स्ट है पर क्या है, टाइप्स ऑफ डायबिटीज 3। तो ह्यूमंस में डायबिटीज सिर्फ दो टाइप की होती है। लास्ट क्या है, सर्विकल वर्टिब्राई इन ह्यूमंस आर 8। तो ये रॉन्ग है, बिकॉज ह्यूमंस में जो सर्विकल वर्टिब्राई होते हैं वो 8 नहीं होते हैं। सो आंसर इज द फर्स्ट वन, फ्लोटिंग रिब्स इन द ह्यूमन आर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जर्मिनेटिंग सीड्स फैटी एसिड्स आर डिग्रेडेड एक्सक्लूसिवली इन दी। एसिड सीड जो जर्मिनेट हो रहे होते हैं उनके अंदर फैटी सीड्स जो होते हैं वो कहाँ पे ब्रेक होते हैं। ऑप्शंस आर प्रोप्लास्टिड्स में, ग्लाइऑक्सोम्स में, पेरऑक्सोम्स में, या माइटोकॉन्ड्रिया में। इसका आंसर है ग्लाइऑक्सोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, What does the filiform apparatus do at the entrance into the ovule? Filiform apparatus ovule में क्या करता है? Options are, it help in the entry of a pollen tube into synergid. It prevent entry of more than one pollen tube into embryonic sac. It brings about opening of the pollen tube. It guide pollen tube from a synergid or egg. So answer क्या है? इसका आंसर हो जाएगा A1, because इसका मेन वर्क यही होता है कि ये पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बीइंग ट्राइड इन इंडिया एज ए बायोफ्यूल सब्सिट्यूट फॉर फॉसिल फ्यूल। इसमें किसी किसको एज ए बायोफ्यूल इंडिया में यूज किया जाता है? ऑप्शन आर जेट्रोपा, एजे डायरेक्टा, मसा एंड एजलोप्स। आंसर इज दी जेट्रोपा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेजिस्टेंस टू एंजाइम एक्शन। एंजाइम एक्शन इसके ऊपर, इनमें से कौन सा है जिसके ऊपर एंजाइम्स भी वर्क नहीं कर पाते हैं? ऑप्शन है कॉर्क, वुड फाइबर, पोलन एक्साइन एंड लीफ फ्यूलिकल्स। आंसर इज दी पोलन एक्साइन, जो कि पोलन की आउटर लेयर होती है, बिकॉज पोलन की जो आउटर लेयर होती है काफ़ी हार्ड होती है और बनी होती है इस पोर पोलन की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज एंटी सेंस टेक्नोलॉजी। एंटी सेंस टेक्नोलॉजी क्या होती है? ऑप्शन आए सेल डिस्प्लेइंग ए फॉरेन एंटीजन यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ एंटीजन, प्रोडक्शन ऑफ सुमर क्लोनल वेरिएशंस इन टिश्यू कल्चर, व्हेन ए पीस ऑफ आरएनए डेटा इज कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस इज यूज्ड टू स्टॉप एक्सप्रेशन ऑफ ए स्पेसिफिक जीन एंड आरएनए पॉलीमरेज प्रोड्यूसिंग डीएनए। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आएगा C1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हैप्लॉइड्स आर मोर सूटेबल फॉर म्यूटेशन स्टडीज देन द डिप्लॉइड। दिस इज बिकॉज म्यूटेशन जो है वो हैप्लॉइड्स में अच्छे से होती है कंपेयर टू डिप्लॉइड्स, बिकॉज हैप्लॉइड्स आर रिप्रोडक्टिवली मोर स्टेबल देन डिप्लॉइड्स। म्यूटाजीन्स पेनिट्रेट इन हैप्लॉइड्स मोर इफेक्टिवली देन इन डिप्लॉइड्स। हैप्लॉइड्स आर मोर अबंडेंस इन नेचर देन डिप्लॉइड्स। ऑल म्यूटेशंस वेयर डोमिनेंट और रिसेसिव आर एक्सप्रेस्ड इन द हैप्लॉइड। ठीक है, इसका आंसर देगा D1, बिकॉज जितने भी म्यूटेशन होते हैं चाहे वो डोमिनेंट रिसेसिव है, वो सब हैप्लॉइड के फॉर्म में एक्सप्रेस होते हैं, इसलिए इसका आंसर देगा D1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम एनिलिडा। ऑप्शन है यहाँ पे क्लोज्ड सर्कुलर सिस्टम, सेगमेंटेशन, ट्रूसिलोम एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड। इसका आंसर है ट्रूसिलोम, बिकॉज इनमें ट्रूसिलोम प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस ऑफ डे लेंथ इन फ्लावरिंग ऑफ प्लांट वॉज फर्स्ट सोन इन लेमना, टबैको, कॉटन एंड पेट्रिया। आंसर इज द टबैको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन्स ब्लड पासिस फ्रॉम द पोस्ट कैवल टू द डायस्टोलिक राइट एट्रियम ऑफ हर्ट ड्यू टू पुशिंग ओपन ऑफ द वेनस वाल्व, सक्शन पुल, स्टिमुलेशन ऑफ द साइनो ऑरिकुलर नोड, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन कैवल एंड एट्रियम। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा प्रेशर डिफरेंस बिटवीन कैवल एंड एट्रियम, D1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू डिस्क्रिप्शन अबाउट एन एनिमल कंसर्न। ठीक है, तो पहला आपने रखा है अर्थवॉर्म को, यहाँ लिखा कि अर्थवॉर्म जो है उसकी जो एलिमेंट्री क्लॉन होती है उसके अंदर फैरिंग्स होता है, इसोफेगस होता है, स्टोमच होता है, गिजार्ड होता है एंड इंटेस्टाइन होता है, नॉट फ्रॉग। तो फ्रॉग की जो बॉडी होती है वो डिविजिबल रहती है 3 हिस्सों में, हेड में, नेक में एंड ट्रंक में। थर्ड क्या है, लेफ्ट किडनी इज स्लाइटली हायर इन पोजीशन देन राइट वन इन रेड। लास्ट क्या है, इन कॉकरोच 10 pair ऑफ स्पेरिकल्स एंड 8 pair 10 pair स्पेरिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से 2 pair प्रेजेंट रहते हैं उसके थोरेक्स में एंड 8 रहते हैं उसके एब्डोमिन में। ठीक है, अगर हम बात करें अर्थवॉर्म की, अर्थवॉर्म के अंदर उसकी एलिमेंट्री ग्लैंड में बक्कल कैविटी आती है सबसे पहले, देन फेरिंग्स, देन इसोफेगस एंड गिजार्ड, इसलिए पहला रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, फ्रॉग। ओके, तो फ्रॉग की जो बॉडी है वो सिर्फ 2 रीजन्स में डिवाइड रहती है, विच इज हेयर एंड ट्रंक। फिर अब बात करें अगर हम रेड की,
रेड के बारे में भी रॉन्ग है। अगर हम बात करें कॉकरोच की, तो कॉकरोच में ये जो स्पेरिकल्स होते हैं ये इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़े हुए होते हैं और ये 10 पेयर में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन विद द प्लाज्मिड वेक्टर बिकम पॉसिबल इफ। ये जो लिंकिंग होती है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की प्लाज्मिड वेक्टर इज पॉसिबल ड्यू टू डी एन लाइगेज, एंडो न्यूक्लियस, डी एन ए पॉलीमरेज एंड एक्सो न्यूक्लियस। आंसर इज द डी एन ए लाइगेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट मेंस्ट्रुएशन। ऑप्शंस क्या है यहाँ पे, ड्यूरिंग नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन अबाउट 40 ml ऑफ ब्लड इज लॉस्ट। यहाँ बोल रहे हैं कि एक फीमेल में जब मेंस्ट्रुएशन होती है तो 40 ml ब्लड लॉस्ट होता है। बिल्कुल रॉन्ग है, बिकॉज फीमेल में सिर्फ 40 ml नहीं बल्कि 35 से लेकर 40 ml के बीच में ब्लड लॉस होता है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, द मेंस्ट्रुअल फ्लूइड कैन ईजिली क्लॉट। ये बिल्कुल सही है। थर्ड वन क्या है कि एट मेनोपॉज इन द फीमेल देयर इज स्पेशली एब्रप्ट इंक्रीज इन द गोनाड्रोपिन हार्मोन। ये भी रॉन्ग है। लास्ट क्या है, द बिगनिंग ऑफ द साइकिल ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मेनार्च। सो इसका आंसर हो जाएगा B1 कि जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है कभी भी ईजिली क्लॉट नहीं होता, बिकॉज उसके अंदर एक स्पेशल टाइप का केमिकल प्रेजेंट होता है जिसे कहा जाता है फिब्रिनोलाइसिन, जिसकी वजह से ये क्लॉटिंग आसानी से नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग फाइला इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स टू जनरल कैटेस्टिस। इसका आंसर है आर्थ्रोपोडा, बिकॉज आर्थ्रोपोडा जो है उसकी बॉडी जो है वो डिविजिबल रहती है हेड थोरैक्स एब्डोमेन में, और इनमें रिस्पिरेशन जो है ट्रकिया से होता है, बाकी इसमें यहाँ पे रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ आइटम करेक्टली बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ ऑर्गन्स मैंशन अगेंस्ट इट। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहे हैं कि थॉर्न्स और बगनविला एंड टेंड्रिल्स जो हैं ये एनलॉग्स ऑर्गन्स हैं। ये बिल्कुल रॉन्ग है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ बोल रहा है कि निग्न मेम्ब्रेन एंड ब्लाइंड स्पॉट इन ह्यूमन आई आर वेस्टिबल ऑर्गन। ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट क्या है, नेफीडिया ऑफ अर्थवॉर्म मेल्पियन ट्रिब्यूल ऑफ कॉकरोच आर एक्सक्रेटरी ऑर्गन। इसका आंसर हो जाएगा C1, बिकॉज अर्थवॉर्म में नेफीडिया एंड कॉकरोच में मेल्पियन ट्रिब्यूल एज ए एक्सक्रेटरी ऑर्गन काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कीमो ऑस्मोटिक कपलिंग हाइपोथेसिस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन proposes that ATP is formed because options are high energy bonds are formed in mitochondrial proteins. और अब क्या है, आप बोल रहे हैं ATP is pumped out of matrix into intermembrane space and a protein gradient forms across the inner membrane. तो ATP तब बनती है जब membrane के अंदर एक proton gradient बनता है। आंसर इज C1। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statement about biomedical technology. तो क्या है यहाँ पे, during open heart surgery blood is circulated in the heart lung machine, blockages in coronary arteries removed by angiography, and CAT shows detailed internal structure seen in the section of body, x-ray provide clear and detailed image of the organ. इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है C1, बिकॉज यहाँ पे A और C बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statement concerning food chain. तो यहाँ बोल रहे हैं कि removal of the 80% tiger from area resulted in greatly increased growth of vegetation, removal of most of the carnivores resulted in an increased population of deserts, the length of food chain is generally limited to 3 to 4 tropical levels due to energy loss, the length of food chain may vary from 2 to 8 tropical levels. इसका आंसर क्या है, इसका आंसर जाएगा A1, बिकॉज हमें बी और सी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्केरिस कैरेक्टराइज्ड बाय, एस्केरिस में क्या होता है, ऑप्शंस आर एब्सेंस ऑफ ट्रूसिलोम बट प्रेजेंस ऑफ मेटामेरिस्म एंड प्रेजेंस ऑफ नेदर ट्रूसिलोम नो मेटामेरिस्म, प्रेजेंस ऑफ ट्रूसिलोम बट एब्सेंस ऑफ मेटामेरिस्म, प्रेजेंस ऑफ ट्रूसिलोम एंड मेटामेरिस्म। तो इसका आंसर है, इसके अंदर ना ही ट्रूसिलोम होती है ना ही मेटामेरिस्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following four statements A to D about certain desert animals such as kangaroo and rat. So they have dark color and high rate of reproduction and excrete solid urine. तो ये क्या है, ये बिल्कुल wrong है। Next क्या है, they do not drink water, breathe at a slow rate to conserve water and have their body covered with thick layers. ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट क्या है, दे फीड ऑन ड्राई सीड्स एंड डू नॉट रिक्वायर ड्रिंकिंग वाटर, दे एक्सक्रीट वेरी कंसर्न्ड यूरिन एंड डू नॉट यूज वाटर टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। सो ये भी सही है, इसका आंसर रहेगा फर्स्ट वन सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोबायोन्ट्स एज
in bisect in the abiogenic origin of life. They were able to produce, they could separate combinations of molecules from the surroundings. They were partially isolated from the surroundings. They could maintain an internal environment. तो इसका आंसर होगा डी वन, बिकॉज दे कुड मेंटेन एन इंटरनल एनवायरनमेंट. ये बिल्कुल रॉन्ग है प्रोबायोटिक्स के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ थ्री एनिमल ईच इज करेक्टली मैच्ड विद देयर वन कैरेक्टरिस्टिक मॉर्फोलॉजिकल फीचर. ठीक है, तो यहाँ पे एक कॉलम दे रखा है एनिमल्स को, यहाँ पे हैं उनके कुछ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स. तो यहाँ पहला है कि लिवर फ्लूक एनेमोन और सी एनेमोन एंड सी गुम्बर जो हैं वो बायोलिटरल सिमेट्री शो करते हैं. सेंट्रीपीड प्रॉन एंड सी अर्चन जो है वो शो करते हैं जॉइंट अपेंडेजेस. स्कॉर्पियन स्पाइरल कॉकरोच जो है ये शो करते हैं वेंट्रल सोलिल सेंट्रल नर्वस सिस्टम. कॉकरोच जो है वो शो करता है मेटामेर सिमेंटेशन. तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर जाएगा सी वन, बिकॉज स्कॉर्पियन स्पाइडर एंड कॉकरोच जो है ये शो करते हैं वेंट्रल सोलिल सेंट्रल नर्वस सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन, The fluid chamber developed from inferior ovary and has seed with its look at its testa. Its options are pomegranate, organ and guava and cucumber. This answer is pomegranate, because pomegranate में जो fruit होता है वो chambered होता है और develop करता है inferior ovary से और उनके अंदर look and testa भी होता है. Next question, which one of the following is the correct percentage of the two? Means कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस की परसेंटेज सही है. ऑप्शन है सी एफ सी इज 40%, सी एच 4 इज 20%, सी ओ 2 इज 40%, सी एफ सी 30%, एन 2 ओ इज 6%, सी ओ 2 इज 80%, सी एच 4 इज 20% एंड एन एच 2 इज 18%. तो इसका आंसर हो जाएगा ए वन, बिकॉज सी एफ सी इज 14% एंड सी एच 4 इज 20%. नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002 वॉज हेल्ड इन. ऑप्शन है ब्राज़ील एंड स्वीडन, अर्जेंटीना एंड साउथ अफ्रीका. इसका आंसर है साउथ अफ्रीका. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वार्कस स्पीसीज आर डोमिनेंट कॉम्पोनेंट इन. क्वार्कस स्पीसीज जो है कहाँ पर मिलती हैं. ऑप्शन आर टेम्परेट फॉरेस्ट में, अल्पाइन फॉरेस्ट में, स्ट्रब फॉरेस्ट में एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में. इसका आंसर है टेम्परेट फॉरेस्ट में.